हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम क्लास टेंथ का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाले हैं। यदि आपको नोट्स के थ्रू ना पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टार्ट करेंगे। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक ऐसे ही चलेगा, और जब क्लासेस लग जाएंगी तब आपको बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा, जिनको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या पूरा चैप्टर का ही क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि भाई कंट्रोल किस चीज़ का कंट्रोल करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल हमें एक्सटर्नल कंट्रोल भी करना है और इंटरनल कंट्रोल भी करना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो हार्ट बीट कर रहा है तो उसको हार्ट बीट करते रहना है, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए कि कहीं बीच में रुक ना जाए। जैसे आप कंटिन्यूस जब सोते रहते हैं तब भी आपका हार्ट बीट करता रहता है। अगर आपके हाथ में मान लो ये कंट्रोल होता है कि आपको कंट्रोल करना है कि हार्ट बीट को, तो यदि आप सो जाते तो आप कैसे कंट्रोल करते? तो मतलब कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे अंडर में नहीं आते, और कुछ ऐसे कंट्रोल हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये सब मेरे कंट्रोल में है, मेरा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को कंट्रोल्ड मैनर में रखता है। कुछ कंट्रोल उसके हाथ में होते हैं, कुछ कंट्रोल वो कर सकता है, कुछ कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होते। तो चलिए नोट से स्टार्ट करते हैं। अब मूवमेंट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वर्ड को याद रखना है, मूवमेंट। जब आप एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे तो पहला जो पेज है उसके ऊपर इसी के बारे में बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट। अब मूवमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वही मूवमेंट है। इसके साथ साथ जैसे प्लांट जो है, आपने देखा होगा प्लांट जो है लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। जैसे कोई लीफ है, आपने कोई प्लांट लगाया, वो सूरज की तरफ ही उसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, तो वो भी एक तरह की मूवमेंट है। आपके बॉडी के अंदर आपका जो फूड है वो एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाया जा रहा है, वो भी एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। प्लांट जो है, प्लांट की जो रूट है मान लो वो अर्थ की तरफ मूव कर रही है, जो और जो प्लांट का सूट जो है वो सन की तरफ मूव कर रहा है, तो वो भी एक मूवमेंट्स है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट। अगला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। इस वर्ड को याद रखना है, चेंज इन एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? आपका एनवायरनमेंट जो भी है, जो भी आपके आसपास कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज के रेस्पॉन्स में मूवमेंट होती है। जैसे अगर मां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स को हम क्या चेंज करेंगे? मान लो हमने सनलाइट उसको चेंज कर दिया, मान लो हम उसको आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं, वो भी दूसरी डायरेक्शन से, तो आप देखोगे कि जो लीफ हैं वो उस लाइट की तरफ बेंड कर गई हैं। तो वो क्या किया, जो भी लिविंग है उसने क्या किया, मूव किया इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट हमने क्या किया, जो हम उसको लाइट दे रहे थे उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। उसकी डायरेक्शन को चेंज करते ही प्लांट ने क्या रेस्पॉन्स किया कि जो अपनी जो लीफ है, जो उनकी लीफ आगे जो ग्रो होंगी उसकी जो बेंडिंग है वो जो आर्टिफिशियल लाइट की तरफ हो जाएंगी। तो ये जो वर्ड है चेंज इन द एनवायरनमेंट, इसी चीज़ को हम कह रहे हैं स्टिमुलाई। देखो नीचे लिखा हुआ है, अब इसको डेफिनेशन को देखते हैं, स्टिमुलाई क्या है। इसके आपको एक नंबर में आ भी सकती है कि व्हाट इज स्टिमुलस या स्टिमुलाई, तो उसको हम कहेंगे चेंजेज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिजम्स रेस्पोंड। ऐसे एनवायरनमेंट के चेंज जिसके खिलाफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना रेस्पॉन्स देते हैं, रेस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो, जैसे कि मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज किया, मान लो मेरा हाथ कहीं गर्म चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, तो मतलब पहले ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में था, अब एनवायरनमेंट में चेंज आया, टेम्परेचर जहाँ कहीं बढ़ चुका है वहाँ पे मेरा हाथ लग गया, तो अब क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है
वो इसके लिए रेस्पोंड करेगा। रेस्पोंड करेगा मतलब यहाँ से मैसेज जाएगा आपके जो स्किन है, स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं। तो उसने क्या देखा कि टेम्परेचर गर्म है, तो उसने क्या किया, ब्रेन के पास सिग्नल भेजा कि भाई सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर ज़्यादा टाइम तक वहीं पे अगर अपनी उंगली टच रही तो हमें डैमेज हो सकता है। तो इसके खिलाफ़ ब्रेन ने क्या रिएक्ट किया कि हमने अपनी उंगली को वापस हटा लिया। तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है एक्चुअल में देखा जाए, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और ये एक पार्ट है नर्वस कंट्रोल का। तो उसको हम आगे स्टडी करेंगे, सिर्फ आपको बेसिक बताया जा रहा है कि भाई स्टिमुलस क्या है, आपका कंट्रोल किस चीज़ का कंट्रोल है, रेस्पॉन्स क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड। मैंने वही कहा था कि भाई जो मूवमेंट है, जो भी स्टिमुलस आया उसके लिए जो भी मूवमेंट होनी है बॉडी पार्ट्स की, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रिफ्लेक्स एक्शन का, उसके अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स ने मूव किया, हमारा हाथ ने मूव किया, यहाँ के जो हाथ के मसल्स हैं वहाँ उसने मूव किया जिसके कारण हमारा हाथ हट गया। तो ये सब क्या है, केयरफुली कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं मतलब इसके ऊपर कंट्रोल है। किस चीज़ का कंट्रोल है, ब्रेन का भी कंट्रोल है। और एक और कंट्रोल होता है उसको हम कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल। तो आपके जो प्लांट्स हैं, इस चीज़ को याद रखना है, जो प्लांट्स हैं प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल है और जो आपके एनिमल्स हैं उसके अंदर क्या है, नर्वस कंट्रोल भी है और हार्मोनल कंट्रोल भी है, दोनों हैं आपके एनिमल के केस में। और जो प्लांट्स हैं उसके अंदर सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल है, पढ़ेंगे हम आगे। आगे देखते हैं, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू एजेंसीज। लिखा हुआ है देखो, या तो वो नर्वस कंट्रोल है मतलब ब्रेन सेल से कंट्रोल होगा, नर्व सेल से, या फिर हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब कोई केमिकल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, जैसे आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी हाइट है मान लो, वो केमिकल के द्वारा कंट्रोल हो रही है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है, वो हार्मोन बॉडी के अंदर आपकी बोन्स की लेंथ को बढ़ाता है, वो क्या हो गया, हार्मोनल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल क्या है, तो एक स्पेशल सेल होते हैं नर्व सेल, आपने पढ़ा होगा नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती हैं बॉडी की, तो वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है। वो ही हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो भी आपको बताया चेंज इन एनवायरनमेंट, जो भी स्टिमुलस आएगा उसके लिए रेस्पोंड करेगा और बॉडी को रिएक्ट करवाएगा। तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है एनसीईआरटी के जो पहले दो पेज हैं उनको पढ़ लीजिए अच्छे से, वर्ड टू वर्ड अच्छे से दिमाग लगा के। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो नीचे इस वीडियो के कमेंट करें यूट्यूब पर जाकर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।